संभल में थाना कुड़ फतेहगढ़ के गांव आलमपुर कुदैया में की गई मासूम बच्चे की हत्या। संभल के आलमपुर कुदैया में मासूम बच्चे की हत्या कर शव तालाब में फेंका। संभल जिले के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर कुदैया निवासी कलीम का बेटा अनस 5 वर्ष का अपने घर से गांव की एक परचून की दुकान से बिस्कुट लेने निकला था। इस दौरान वह लापता हो गया। इसके बाद उसकी लाश गुरुवार को गाँव के ही तालाब से बरामद की गई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने शुरू से मासूम की हत्या का अंदेशा लगा लिया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। 2 सिपाहियों पर आरोपियों से मिलने होने का आरोप लगाया है। यह भी कहा गया है कि अगर परिजनों के कहने पर पुलिस हर घर की तलाशी लेती तो हो सकता है कि मासूम की हत्या ना होती और वह जीवित मिल जाता। पुलिस की लापरवाही देखते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सीओ गुन्नौर के सरोज बहजोई के प्रभारी निरीक्षक ग्रामीणों को समझाने लगे और कार्यवाही का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और गांव जाने के लिए तैयार हुए। क्या नाम है आपका? बबलू नाम है। और कहाँ से बिलोंग करते हो? गांव क्या नाम है? आलमपुर कुदैया। अच्छा, ये मैटर जो आप धरना दे रहे हैं इस समय जिला कार्यालय पर, क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है, हमारा 19 तारीख में कोठे का प्रस्ताव हुआ था, ये राशन डीलर जो होता है उसका प्रस्ताव हुआ था। अच्छा, हम 20 वोटों से जीत गए जी। फिर जो दूसरी पार्टी जो थी उन्होंने चुनौती दी थी, धमकी दी थी, क्या अभी आप सब खुश हो, 2-3 दिन के बाद में तुम रोगे। तो 23 तारीख में हमारा ये भतीजा ये किडनैप कर लिया। अच्छा, 5 तारीख में वो 5 दिन बाद 5वें दिन इसकी बॉडी मिली है 27 तारीख में। अच्छा अच्छा अच्छा, जब बच्चा आपको किडनैप किया गया, इस किडनैप के लेकर के आप थाने पहुंचे थे? थाने पहुंचे थे, थाने वालों ने कोई भी सुनवाई नहीं दी थी, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। अच्छा, तो आपकी सुनवाई करने से मना कर दिया? हाँ, सुनवाई करने से मना कर दिया, इसलिए SDM साहब के पास यहाँ पे भेजो आए हुए हैं। अब क्या चाहते हैं इस मामले में? अब क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं जिसने हमारे बेटे को मारा है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, न्याय मिले।